गन्नू पापा भी पैर डाल लें, पापा भी डाल लें, ए डाल लो यार, ए थोड़ा सा, अरे थोड़ा सा डाल लो, अरे थोड़ा सा डाल दो, बस मम्मा और मम्मा और कौन डालेगा, और मम्मा और बाबू ना, हाँ गुड, हम और तुम। अच्छा बेटा पापा नहीं डालोगे, अरे पापा के पैर साफ कर दो यार, अरे कर दो यार, ऐसे नहीं करो, हम डाल लेंगे चरण और तो पानी पानी कर दोगे। सिर्फ पैर डालना होता है, लो तुम भी अपना नारियल पानी पियो, चलो पियो पियो, जो मामा पी रही ना पैर डाल के, मामा पी रही, देखो देखो मामा नारियल पानी पी रही ना, आप भी पियो, चलो भैया पी लो, ये लो लो पी लो, अरे पी लो यार, साफ करेंगे हाँ, अच्छा ये लो, ये लो, कह रहा है ये। अच्छा नींबू तगड़ना है, अरे दादा वाला पैर भी। क्या लड़का है, मेरा नहीं, मेरा नहीं, अपना करो, मम्मा करो, सारे ब्यूटी है, खुद ही अजमा लेगा है। गन्नू गन्नू बाल किसने काटे, गन्नू के किसने काटे थे, पापा काटे, पापा काटे, चाचा काटे, कौन चाचा, कौन से चाचा काटे, अरे गन्नू यार ये भी रह गया है, इसको नहीं डालना, नहीं नहीं अबे इसको डाल देगा, इसको यहाँ बैठा लेते हैं, चलो तुम देखो पैडी क्यों रो रहा है, वो देख रहा है बैठ के, आप साफ करो पैर, ठीक है चलो साफ करो। लिक्विड सोप डाल दू इसी में, लिक्विड सोप डाल दू, पानी गर्म है, मैंने पापा का पैर भी साफ करना है बेटा, याद रखना तुम्हें ही करना पड़ेगा, कौन करेगा साफ, तुम करोगे, यस फॉर मी इट्स, मेरे लिए अचीवमेंट से कम नहीं है, बिकॉज इतने कम दिनों में बीइंग अ मदर, दो ऑपरेशन के बाद आई एम सेटिस्फाइड, मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने कितना सीखा है और क्या सीखा है, एंड यस मुझे योगा करना बहुत 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 अच्छा लगने लगा है, फील होता है कि जैसे कि कुछ अच्छा कर रही हूँ, हाँ इससे ज़्यादा जंप नहीं कर सकती, हाँ मैंने अभी हाँ डोरी निकाली जंप के लिए, मैंने 30-40 स्किप्स किए, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती थी और मैंने किए भी नहीं, क्योंकि मुझे कोई बहुत ज़्यादा वेट लॉस नहीं करना है, तो पता ही है, सिर्फ तुम मत करना, तुम मत करना, पैर बहुत दर्द होगा, पैरों पर पूरा प्रेशर लग रहा है, और मैं दिखाती हूँ कि जितनी देर मैंने एक सेकेंड, ये देखिए जितनी देर मैंने एक्सरसाइज करी, ये किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे, उतनी देर में गन्नू ने ये सब कुछ किया है, ये देखो मिट्टी यहाँ से भर के डालना, ये पानी की बोतल पी के ख़त्म करके यहीं पर डाल दी है, अब आया अपने फ़ोन के पास में डोरी मेरी लेके, ये देखो छत का हालत बहुत ख़राब है मेरी, तो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ चिकन अफ़गानी बनाने की अच्छी सी सिंपल वाली रेसिपी, और इसी तरीके से आप इसको पनीर के साथ भी कर सकते हो, ये आपको मिलेगा लहसुन हरी मिर्च अदरक का पेस्ट, और अच्छे से लहसुन इसमें ये है कि हाँ अच्छे से अगर आप डालोगे तो टेस्ट बहुत अच्छे से आएगा, और इसके पहले मैंने डाला है इसमें दही बहुत अच्छे से, और दही कम से कम जैसे 250 ग्राम का एक पैकेट था तो वो डाला, और ये है मलाई, और जो इसका जार है ना ये जिसमें हमने ये सारी चीज़ें पीसी थी उसी जार में एक बार ब्लेंड करके फ्री हमने यहाँ पे डाल दी है मलाई फ्रेश, आप चाहो तो क्रीम भी मार्केट से ले सकते हो बट हमें लगता है कि मलाई ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है इसमें डालने के लिए, तो इसमें ये चीज़ें डालेंगे, इसके अलावा इसमें फिर हम ऐड करते हैं मसाले, तो ये कसूरी मेथी हमने तवे पे बहुत अच्छे से इसको भूंज लिया है, भूंजने के बाद में ना जब आप देखोगे तो बिल्कुल ये खूब अच्छी क्रिस्पी हो जाएगी, और इस तरीके से आप तोड़ के इसको डाल दोगे तो बहुत अच्छा सा, और ये बात सच है कसूरी मेथी का जो टेस्ट आता है बहुत अच्छा आता है, ये हमने डाला है थोड़ा सा चिकन मसाला,
और इसके बाद में हम डालेंगे यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च, और कश्मीरी लाल मिर्च का ये है ना कि कलर अच्छा जाता है। फिर इसमें हम डालेंगे चाट मसाला, और फिर हम इसमें डालते हैं ये क्या है, नमक। हाँ नमक इसमें हम अपने हिसाब से डाल लेंगे, और खाने में बहुत अच्छा आता है। और सच बताओ जैसे रेस्टोरेंट में टेस्ट आता है, बिल्कुल आपको वैसे ही अफ़गानी चिकन का टेस्ट आएगा इसमें। और फिर मैंने यहाँ पे जो मेरा मसाले वाला नमक है उसको भी हमने थोड़ा सा डाल दिया है कि हमने सोचा इसमें सारी चीज़ें मिली हैं तो टेस्ट अच्छा आ जाएगा। और ये डालने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, इसमें लेमन डाल देंगे, लेमन जूस। लेमन आप चाहो तो थोड़ा कम या ज़्यादा करके डाल सकते हो, क्योंकि दही भी खट्टा रहता है। तो वो देखो ऐसा फील हो रहा है ना, उस पर पड़ा है लाल मिर्च वाले पे। तो और फिर क्या करना है, हमें इसे अच्छे से फेंटना है, जैसे हम प्रॉपर अच्छे से फेंट लेंगे फिर हम इसमें मिलाएंगे। और इसको एक बार ही काम करिएगा, चख के ज़रूर देख लीजिएगा। और इसमें से थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा कटोरी में निकाल के अलग से रख दीजिएगा, क्योंकि जब आप ड्राई खाओगे ना तो इस जो चटनी या रायता आप इसे कुछ भी कहो, इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे ऐड करेंगे हम चिकन, और अगर आपको वेजिटेरियन चाहिए तो आप यहाँ पे अपना पनीर ऐड कर दीजिए। तो रेसिपी बिल्कुल सेम हो जाएगी चिकन की और पनीर की, अफगानी की। बस ये अलग बात है कि आप उसमें पनीर के पीसेस डाल दीजिए। और अगर आपके घर में ये भी ऑप्शन बहुत अच्छा है कि अगर आपके घर में दो लोग हैं, दो लोग को अलग अलग चाहिए, तो आप इस बस आपने ग्रेवी बना ली और अलग अलग आपने अच्छे से फ्राई कर दिया, तो दोनों की खुशी पूरी हो गई। मुझे तो मजा आता है पीने में। ये पटियाला पैक इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, ब्लैक डॉग इतनी होती है, ब्लैक डॉग दारू इतनी होती है, पानी इतना होता है, समझे? टम 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 टम। अगली इस बार सब तुम साफ करोगे, मैं नहीं करूंगी। हम मैं क्यों करूंगा, तुम्हारे लड़के ने गंदा किया, तुम साफ करोगी। तुम्हारा नहीं है। हाँ तो हमने एक बार किया ना, इसके पहले किसने किया था? मैंने किया था, मैंने ऑल टाइम, मैंने दोनों ने किया था। आप लोग को वीडियो देख रहा है ना, आप लोगों ने। अच्छा ठीक है, तब भी तुम ही कर देना इस बार, तो इस बार भी और कर दोगी तो क्या होगा, आए कर देना। तो वो देखो चला भी रहा है अपनी कार। गन्नू कौन सा हाईवे चला रहे हो? गन्नू कौन सा हाईवे है? हाँ चलाओ। मैंने आज देखा था, पता है कि अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो ना, क्या ऐसे करो, और ये आप मतलब क्या बोलते हैं, स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे करो। और वो बंदी ना स्टार्टिंग में शेक कर रहे थे उसके पैर, और 15 दिन बाद मैंने उसको देखा, इतनी मजे में बैठी थी। और नीचे तो हमेशा मेरे पीछे के पड़े रहते हो भैया, पैर पे लग जा रहा, चोट लग जा रही, डॉक्टर सब बंद करे बैठे हैं। एंड जो उसका पैर शेक कर रहा था ना, पैर थोड़ा और आगे करो, सीरियसली मिला के अगर आप बैठोगे तो नहीं बैठ पाओगे, और ये करने में उसको 15 डेज लगे बैठने में। मैं भी ट्राई करूंगी। क्या तुम्हें 15 मिनट लगे केवल? क्या ट्राई करो, 15 मिनट में कर लोगी भी। ओ पत्थर, सर फोड़ देगा। पहले दोनों पैर बराबर में रखिए, थोड़ा और आगे, थोड़ा आगे करो, ज्यादा पीछे ना तो बैठने में तुम्हें दिक्कत होगी। अंकल आ रहे भी आपको डांटेंगे, घुटने पे जोर पड़ेगा। यही तो होता ही है, बहुत मुश्किल है ऐसे बैठना। रोज प्रैक्टिस करूंगी, एक एक सॉरी कुछ सेकंड्स की, तब कर ले जाएंगे। मारो धक्का, पिलर उखड़ जाए बिल्कुल। अरे बाप रे, हेलो कम कम आओ। ओ कार फेंक दिया तुमने, कार पलट गई तुम्हारी। ओ देखो कार एक्सीडेंट हो गया, तो उल्टी पड़ी है। जाओ सीधी करो उसको, सीधी करो, सीधी करो, सीधी करो, जल्दी सीधी करो। हाँ सीधी करो, कार वहीं है। चिड़िया रानी बड़ी सयानी, चुगती दाना पीती पानी। आज सुबह मैंने, मेरा थोड़ा सा ना मोरल डाउन हो गया था, मुझे लग रहा था नहीं कर पाएंगे जब मैंने तुम्हें बूस्टअप दिया था। हाँ यार आज मेरे को मतलब
और एक बार अगर आपने अपने दिमाग में ऐसे लिया है ना कि मैं नहीं कर पाऊंगी, फिर वो जो नहीं कर पाने वाली चीज है पता है आपको, फिर आपके शरीर, अरे मैंने 5 मिनट निकाल दिए तो कहीं नहीं कर पाऊंगी, हावी होने लगती है कि आज मेरी छुट्टी है। अगर जैसे होता नहीं है कभी आप रात में सोच के बैठो कि आज मेरी स्कूल की छुट्टी है, कल ऑफिस की छुट्टी है, फिर वो जो जाना पड़ता है ना वो सबसे ज्यादा बेकार होता है। और देखा कर लिया ना, क्या ऐसे नहीं वैसे करना है, सीख लूंगी मैं, बट मैं क्यों सीखूं, मेरे को थाइस तो पतली करनी है, मेरे को पेट कम करना है, थाइस ज्यादा पतली हो जाएंगे तो फिर गंदी लगेंगे। एक तो इसका चीचा 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 पापा भैया क्या? पापा को क्यों? पापा कूदें? पापा भी कूदेंगे? कह रहा पापा दूसरे से तो कूद जाओ। ना दूसरे से तो नहीं कूदेंगे, अंकल आंटी आ गए हैं अब। वो नहीं थे तब हम पाई नहीं थे तो 2 दिन पाई नाले गए थे ना, इसलिए कह रहे उधर चले जाओ। आज तक कभी गए तो है नहीं हम। हाँ नहीं अभी अंकल आ गए, पानी डाल देंगे अभी अंकल। अंकल आ चुके हैं। अंकल बोले हम पानी डाल देंगे गमलों में। अभी आएंगे अंकल दिखाएंगे तुमको। तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा हो गया है, अब हम इसको तल रहे हैं और रिफाइंड डाल के हम इस तरीके से इसको फ्राई करेंगे और छोड़ देंगे। ऐसा नहीं बार बार पलटना नहीं है, बस छोड़ दीजिए कुछ 2 मिनट बाद आप देखोगे नीचे वाला पक जाएगा, फिर आप इसको पलट दीजिए। बार बार अगर आप इसको पलटोगे तो पीसेस भी टूट जाएंगे और फिर अच्छा क्रिस्पी है नहीं बनेगा। बाप रे इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी लग रही है, और ये बात सही है ये बात सही है कि भाई ये टी शर्ट पहन के एक्सरसाइज करूँ तो हालत खराब हो गई, हवा ही नहीं लग रही थी। हाँ ये तुम्हारी टी शर्ट अभी पहनी है मैंने, वो मेरी थी, जो भी टी शर्ट है वो मेरी टी शर्ट है। जी नहीं कुछ दिन बाद देखना तुम्हें पता चलेगा, जैसे कि ये देखो है ये सब कम करना है हो जाएगा मुझे लग रहा है धीरे धीरे। ओ माय गॉड, तो बस अभी एक तरफ पक रहा है और वो पक जाएगा, अभी मैं पानी पीती हूँ और उसके अभी 15-20 मिनट बाद में कुछ खाऊंगा बस, लेकिन वही चिकन जो दोपहर में बना के रखा था वही, और बस उसके साथ बनाएंगे पराठे आराम से खाएंगे। और टाइम आई थिंक 7:15-7:30 बज रहा है, मतलब अब हम लोग 8:30 बजे तक कैसे करके खाना अभी फिर से रूटीन सही किया खा लेते हैं। देखो पापड़े किसके गुड्डे हो तुम, गुड्डा कौन है? मम्मा का गुड्डा है। हाँ देखो अभी हम दे रहे हैं। पता है एक सवाल आप लोग जरूर मुझसे पूछोगे कि मुझे घर पे एक्सरसाइज करते हुए 15 डेज हो चुका है और ऑलमोस्ट मैं 15 डेज के लिए जिम गई थी, तो आप लोग जरूर जानना चाहोगे छोटा सा सवाल कि जिम ज़्यादा बेटर है या घर में ज़्यादा बेटर है। तो जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मुझे ऐसा फील होता है कि यस आपके लिए घर ज़्यादा बेटर है, एज ए हाउस वाइफ हमारे लिए घर बहुत बेटर है। कितना ऐसे रख के देखेंगे ना, अच्छे रख के देखेंगे और हमारे लिए घर बहुत बेटर है। पता है घर में मैं ज़्यादा टाइम दे पाती हूँ, मैं ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाती हूँ और ज़्यादा प्यार से करती हूँ। जिम में पता है क्या मुझे नहीं समझ में आई थी ज़्यादा, आप जाते हो वो डंबल उठा लो 4 एक्सरसाइज बताते थे फिर कहते थे आप जाओ, अभी घर में जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप दिल लगा के करते हो और वो पूरा का पूरा जो मैं 1 घंटा करती हूँ सुबह और 1 घंटा शाम में जो करती हूँ वो प्रॉपर एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं वो करते हैं, और अभी मैं काफ़ी खुश हूँ। तो मुझे जहाँ तक है होम वर्कआउट मुझे ज़्यादा समझ में आया और जिम मुझे समझ में अभी नहीं आई है। जिम शायद मैं तब ज्वाइन कर लूँ जब मैं अच्छे से वर्कआउट करना शुरू कर दूँ, या 1-2 महीने 3 महीने हो जाएंगे तब ये लगेगा हाँ रेगुलर आधे घंटे के लिए गए 1 घंटे के लिए गए तो छोटा मोटा करके चले आए, बट मुझे अपना घर वाला ज़्यादा समझ में आया है। तो चलो आज ये देखिए, और आपको ये पता है कि जो अब चिकन अफगानी हम मंगाते हैं किसमें रेस्टोरेंट से हम जो मंगाते हैं
उससे भी लाख गुना अच्छा इसका टेस्ट है जब ये बनाते हैं, सच्ची में बता रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है पता है, जब 200 रुपए का मंगाओगे ना, आपको 1, 2, 3 मुश्क इतने पीस पूरे मिलते भी नहीं है। अगर आपको पता हो तो ये वाला हटा के इतने पीस मुश्किल से 200 रुपए में मिलते हैं, और वो मस्त अच्छा टेस्ट भी नहीं होता है। लेकिन इनका जो चिकन अफगानी है ना, मानना पड़ेगा वो सेम डिश है। अगर आप चिकन नहीं खाते हो, आप पनीर खाते हो, तो आप इसी में बस चिकन की जगह पनीर डाल लीजिए, वो पनीर अफगानी बन जाता है, बस और कुछ नहीं करना। सेम जैसे मैं से ये सेका गया है बिल्कुल वैसे ही बनेगा। अभी जाके मुझे बस पराठे सेकने हैं, तो मैं अभी नहाने नहीं जा रही हूँ क्योंकि बहुत उलझन हो रही है। तो मैंने सोचा मैं पराठे सेक दूंगी फिर मैं नहाने जाऊँगी। तो इसके साथ अब इसकी करी भी बनाएंगे, वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके साथ पता है क्या, जो हमने दही का मिक्सचर बनाया था ना, उसमें से कुछ हम निकाल के रख लेते हैं। यस, ये वही। और ये टेस्ट में बहुत यम होता है, आप इसको छोटा मोटा रायता मान सकते हो। तो जब आप ये चिकन ये इसके साथ खाते हो ना, तो इसका जो टेस्ट होता है बिल्कुल। और वो क्या करते हैं, इसके साथ प्याज और ऐड करते हैं हम। तो अभी मैं प्याज और काट के लेके आती हूँ। बहुत अच्छी रेसिपी है, आप जरूर एक बार ट्राई करिएगा। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो ये डाल लेना, वेज खाते हो तो पनीर डाल लेना। कितना अच्छा है ना, सोचो अगर आपके घर में पनीर और नॉनवेज वाले दोनों लोग हैं, तो पहले पनीर डाल के निकाल लो फिर उसमें नॉनवेज डाल दो। तो दोनों एक ही, मतलब आई थिंक टाइम सेविंग भी है और अच्छा भी है, क्यों नहीं। मैंने कहा अगर किसी के यहाँ पनीर खाने वाले भी है, नॉनवेज खाने वाले भी, तो पहले पनीर निकाल लो फिर नॉनवेज डाल दो, तो ज्यादा अच्छा है। और सच अब मुझे समझ में आता है, पता देखते हो आप लोग जो वर्कआउट करता है वो बहुत ही लेस कपड़े का मतलब ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स ब्रा और नीचे वही पहनते हैं, स्पोर्ट्स के कपड़े ही पहनते हैं। बाबू खाएगा मेरा, पता ही क्यों, इतनी गर्मी लगती है ना जब आप वर्कआउट करते हो। क्या करूं, नहीं खाओगे, ठीक है। जब आप वर्कआउट करते हो इतनी ज्यादा गर्मी, इतनी उलझन लगती है ना, तो उससे ज्यादा आप नहीं अफोर्डिंग नहीं कर पाओगे। ये बिल्कुल सच बात है। और या तो आपने कॉटन का, जैसे कि मैं सूट वगैरह पहन के भी करती हूँ ना, आप सूट पहन के करो, वो भी अच्छा ऑप्शन है। अफगानी चिकन का ये है, पता है क्या, बच्चे बहुत ही प्यार से खा लेते हैं क्योंकि ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता। इसका टेस्ट थोड़ा सा टैंगी टाइप का अलग सा टेस्ट आता है, तो बिल्कुल भी तीखा नहीं है। और मैं बस यहीं पे बैठ के हम खा रहे हैं, और वही जो चटनी जो मैंने स्टार्टिंग में निकाली थी, मैंने आपसे कहा था कि ये रायता चटनी, आप इसको कुछ भी बोलो आप इसको निकाल के रख सकते हो। और एज ए मतलब स्नैक्स बहुत अच्छे हैं, और गन्नू को बहुत पसंद आई, ये हमें बहुत अच्छा लगा। क्योंकि अगर मैं कोई भी ऐसी चीज़ बनाती हूँ जो मसालेदार होती है, तो बच्चे वो कम खा पाते हैं। तो बस अभी हमने ड्राई चिकन खाया है, और ये ग्रेवी, ग्रेवी बनाने का कुछ भी नहीं था, जो ऑयल था उसमें चाहो तो आप थोड़ा सा निकाल सकते हो। अदरवाइज जो आपने सारे चिकन जो फ्राई किए होते हैं अच्छे से, बस जो आपका दही रहता है, मतलब जो बचा रहता है, बस उस जितना खाना है आप खाने के लिए निकाल लो, फिर उसके ऊपर वो प्रॉपर डाल दो, बस पक्के। उनको मैं दिखाती हूँ, देखिए। और अगर आप ये सोच रहे हो ये सारा तेल है, तो ये तेल नहीं है, पता है ये घी है, क्योंकि हमने इसमें मलाई डाली होती है ना, तो मलाई से भी काफ़ी सारा घी निकलता है, तो ये घी है। और खाने में बहुत 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 यमी है। अभी फ़िलहाल मैं इतना तो हम नहीं खाएंगे, आपको पता ही है, तो इसमें अभी हम पैक करते हैं दूसरों के लिए, फिर हम लोग अपना खाने के लिए थोड़ा सा रखते हैं। तो ये बताइएगा कैसे हैं। और इसी बीच में हमने ये देखो इधर पराठे सेक दिए हैं, ये रख दिया है चलते फिरते, और क्योंकि हर बार गन्नू मुझे स्टैंड इतने प्यार से तो नहीं देता है, इसी वजह से। कैसा बना है आप लोग प्लीज बताइएगा। इसमें कसूरी मेथी जो पड़ी रहती है ना, उससे से कलर वलर बहुत अच्छा आता है। किस किस का खाने का, कल बिल्कुल मैं आपको भी फोटो लगा दूंगी यहाँ पे। जो हम लोगों ने कल पनीर बनाया था ना, वो भी बहुत यम बना था, बहुत अच्छा बना था। बट क्या होता है, सब कभी कभी रेसिपी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, शूट करना पूरी तरीके से बहुत मुश्किल हो जाता है बस। लेकिन हमने पनीर जो बनाया था वो बहुत अच्छा बना था। और ये देखो, बना तो बहुत अच्छा था, खाना भी खा लिया, खाने के बाद 1.5 घंटे वॉक करके पचा भी लिया, सारी चीज़ें हो गई हैं बढ़िया। अब आज इसीलिए मैंने नहाया नहीं था, मैंने कहा था मैं जब टहल के आऊँगी मैं तभी नहाऊँगी, क्योंकि टहलने पर ना बहुत गर्मी लगती है और चिपचिपापन बहुत ही ज़्यादा लगता है। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने, और इसी तरीके से दिन निकल जाते हैं। और एक या दो दिन बाद से
अभी से नहीं, मैंने जानबूझ के थोड़ा सा टाइम लिया था, अभी से नहीं, एक या दो दिन बाद से धीरे 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 अब मैं डाइटिंग या फिर हेल्दी फूड या फिर खाने का अब थोड़ा थोड़ा चेंज करना शुरू करूँगी। क्योंकि पता है क्या, जब आप एक साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो ना, मैं अपनी अपनी बता रही हूँ, क्योंकि हर एक इंसान अपने हिसाब से करता है, अभी मेरा रूटीन में सारी चीज़ें आ गई हैं, तो अब मैं नई चीज़ ट्राई कर सकती हूँ। फिर एक साथ आप बहुत सारी चीज़ ट्राई करते हो, आप ही को बनाना होता है, आप ही को खाना होता है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अभी तो ये था, और आई होप आपको हमारा ये छोटा मोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी कोरोना बहुत हो गया भाई, चले जाओ तुम, सच में बता रही हूँ। अभी कोरोना से ऐसा हो गया ना, अब उलझन होने लगी है कि नहीं यार बस करो जितना। और आजकल पता है मैं कोई क्रीम नहीं लगा रही हूँ, और फेस मेरा बहुत अच्छा ग्लो कर रहा है। एक चीज़ और भी है कि हम इधर एक महीना हो गया लगातार डेली नारियल पानी पी रहे हैं, ये बिना स्किप के नारियल पानी पीते भी हैं, और जो उसका नारियल मिलता है वो खाते भी हैं। तो ये भी आई थिंक एक बहुत बड़ा रीज़न है स्किन पे ग्लो आने का, क्योंकि इनका भी है मेरा भी है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। आज मैं बैठ के इसके बेनिफिट्स पढ़ रही थी, काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स थे। मैं ये सोची थी, मैंने कहा नारियल पानी इतने दिन से पी तो रहे हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं पहले मैं देख तो लूँ। क्योंकि मेरे साथ पता है क्या, मेरे को एप्पल ज़्यादा पसंद नहीं है, और एप्पल के साथ मेरे हमेशा ये होता है जब हमारे यहाँ सेब आता है तो ख़राब जाता है। गन्नू बिल्कुल भी नहीं खाता, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को भी पसंद नहीं है, तो ये भी बहुत कम खाते हैं। नारियल पानी एक ऐसी चीज़ है ना, उसके साथ ये है कि आपको ने बस छेद किया है, स्ट्रॉ डाला और आप पी सकते हो, फिर तोड़ के भी खा सकते हो। और मतलब वो एक ऐसी चीज़ है जिससे आप उभोगने, आपको प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा, तो उठा के नारियल पानी आपने पी लिया, तो इसलिए मैंने इंक्लूड किया है नारियल पानी और तरबूज और खरबूजा ये सारी चीज़ें अभी फल में करी हैं। और मैंगो पता नहीं क्या हो गया, मैंगो से मेरा मन हट गया है, क्या हो गया मुझे नहीं समझ में आ रहा। और अभी दशहरी हमने अभी लेना नहीं शुरू किया है, मार्केट आपको पता है हम जाते नहीं हैं, और यहाँ दरवाजे पे सब्जियाँ ज़्यादा आती हैं, फल अगर लाते भी हैं तो बहुत थोड़े से लेके आते हैं, इधर मैं बाहर निकली नहीं हूँ कि मैं फल ले लूँ। तो बस यही रीज़न है कि अभी तक हमने आम का, मेरा तो मन भी नहीं कर रहा, 2 से 3 साल हो गया मेरा आम खाने से, मतलब आम फलों बचपन से तो हम लोग कितना रहते थे ना आम 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 से थोड़ा मन हट गया है मेरा, बट कोई नहीं। दाना निकला है मेरे, बहुत कम आप देखते हो ना कि मेरे फेस पे भी दाना हो, और ये दाना निकला, किस वजह से निकला होगा मुझे नहीं पता, ये दाना निकला है। ठीक है, तो चलो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नहाती हूँ जाके, तो तकलीफ पाए, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।